नमस्कार दोस्तों, 2023 आईपीएल ईडन गार्डन्स में जो होने वाला है केकेआर आरसीबी मैच 6 अप्रैल को, उसका बारे में बताएंगे। आज देखने जाएंगे कि ऑफलाइन टिकट कहां से देता है, मिलता है कि नहीं, ये सब दिखाएंगे। उसका छोड़ के भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे। तो चलते हैं वीडियो को और देखते हैं आईपीएल 2023 का जो बंदोबस्त हुआ उसका वीडियो। अगला दिन में और भी वीडियो ऐसे डालेंगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज 1 अप्रैल 2023 सीधा मॉडर्न मार्ट में आ चुका पहुंचा। मॉडर्न मार्ट में देखिए, टिकट के लाइन के लिए लाइन देके खड़ा है बहुत सारा नौजवान। हम भी उस सब खड़ा हो गया देखने के लिए क्या होता है। आज 6 अप्रैल को खेला है और आज 1 अप्रैल है। सुना है कि कल शाम को मैंने 31 तारीख शाम को एक तरफ पे काउंटर खुला था। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ सुबह 9:15 हुआ है, 9:15। अब देखिए ये लोग एक चिपका देता है कि कोई टिकट नहीं है, ऐसा चिपका देता है। एक भी टिकट इशू नहीं हुआ आज सुबह। कल शाम को खुला था काउंटर, तो लगता है कि कल शाम को ही पूरा टिकट बिक गया था। लेकिन पता नहीं क्यों ये विंडो खुला रखा है। लड़का लोग का लगता था कि टिकट मिलेगा, लेकिन अभी पूरा अफसोस होता है कि टिकट नहीं मिलेगा। हम यहाँ से छोड़ के स्टेडियम का तरफ जाने का सोच लिया, यह तो कुछ हुआ नहीं। अब देखिए 6 तारीख 31 तारीख को दिया, मतलब 6 दिन पहले दिया टिकट। ऐसा 14 तारीख को जो मैच है उसका 6 दिन पहले कोशिश कर सकता है। कहीं तो कुछ लिखता नहीं है ये कब टिकट देगा, कितना टिकट देगा। कोशिश करने सकता है 14 तारीख का जो मैच है उसके लिए 6 दिन आगे। ऑफलाइन टिकट मिलना खूब मुश्किल है। आज तो अप्रैल फुल हो गया। मॉडर्न मार्ट छोड़ के इंडियन गार्डन्स का तरफ हम निकल पड़े, चलते गए।
राय का तरफ आगे बढ़ते गए, स्टैंड रोड का पास जाने का इच्छा है। आप लोग को दिखाएंगे कि फेरी कैसे पार करके हावड़ा कैसे जाता है, ये दिखाएंगे। और जाते जाते समय आप लोग को गेट का सब कुछ परिचय कराएंगे, गेट का नंबर से कहाँ का बाय गेट नंबर पड़ेगा, दिखाते हैं क्या गेट नंबर है। इससे क्या कुछ आइडिया मिलेगा कि अगर नेक्स्ट कोई गेम में आएंगे आप लोग कोई मैच में तो कन्फ्यूजन कम होगा। अभी आकाशवाणी भवन है, आकाशवाणी भवन को बाएं रख के आगे निकलते हैं और सीधा जाने से ही स्टैंड रोड मिलेगा। मैच का दिन स्टेडियम का अंदर बैग लेके घुसने नहीं देता है, मना है, और कैमरा और लैपटॉप ये सब मना है। तो ये एक मुसीबत है जब कोई आदमी दूर से आता है, जब देखने के लिए दूर से आता है मैच देखने के लिए, उसका साथ बैग होना आम बात है। तो लौटने के टाइम में देखेंगे, एक शख्स बात करेंगे, दुकान में है जिसका, वो दुकान में रखता है, वो बैग रखता है, कुछ चार्ज लेता है, बात कर लेंगे उससे, दिखा देंगे किससे बात करता है। आईपीएल मैच का दिन आप बैग रखते हैं? हाँ दादा रखते हैं। कितना लेते हैं? ज्यादा नहीं, एक के हिसाब से लेते। कितना बोलिए ना। 50 रुपया, 100 रुपया, पावर बैंक रहा, लैपटॉप रहा। अच्छा अच्छा, आप बोले 30 से लेकर 50 रुपया, 50, 100 ऐसे जिस तरह, जैसे कि लैपटॉप रहा, हम इस प्लेनेट की तरफ से आए हैं, उसी तरफ से लौटेंगे। आपको दिखाते हैं इसमें कैसे जा सकते हैं यहाँ से। वो स्टेडियम के पास आया और उसका उल्टा दिख में एक तो गोस्टोपाल का मूर्ति है, उसको दाएं रख के ये रास्ता से आगे बढ़िए पूरब की तरफ, बस चलते जाइए और आप इसमें पहुँच जाएंगे। जाकर सोचने का नहीं है, पूरब की तरफ आगे बढ़ते जाइए पहुँच जाएंगे। मैं मेट्रो स्टेशन का तरफ जा रहा हूँ, देख लीजिए कहाँ से मेट्रो स्टेशन जाने होता है। आ गया स्पैनिट, स्पैनिट से मेट्रो स्टेशन का तरफ जाता हूँ, देख लीजिए। ये केसीदास का स्वीट शॉप है, रिनाउंड है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।